हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चैप्टर थर्ड बोलती तस्वीर पढ़ेंगे, जो क्लास फिफ्थ का चैप्टर है। बोलती तस्वीर एक ऐसे बुद्धिमान बालक की कहानी है जो कि अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर से प्रेरणा प्राप्त करता रहता है और राज्यसभा में स्थान प्राप्त करता है। ये कहानी थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन की है, जो कि बहुत ही महान विद्वान थे। वे विद्वान का सम्मान किया करते थे। वास्तव में ऐसा होता है कि जो जैसा होता है वो वैसे का सम्मान करता है। जिसमें जैसा गुण होता है वो ऐसे ही गुण वालों की परख करता है। तो हर्षवर्धन भी ऐसे ही सम्राट थे जो कि विद्वान थे और विद्वान को पहचान लेते थे, उनका सम्मान किया करते थे। उनकी राज्यसभा में अनेक विद्वान, गुणवान और पंडित योद्धाओं से सुशोभित शासन था। उन्हीं दिनों थानेश्वर की गलियों में हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा थे, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया। तो वहां पर एक ब्राह्मण घूमा करता था, बालक था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहती थी। वह लोग उसे उपेक्षित समझते थे और कोई न उस बालक का नाम पूछना जानता था, चाहता था, और न कोई जानता था कि उसका नाम क्या है। लेकिन वह बहुत ही विद्वान था। वह बालक गरीब तो था लेकिन किसी से कोई भी मांग नहीं करता था। वह कभी नाटक मंडली में गा करके अपना भरण पोषण कर लिया करता था और कभी गीत भजन गाता था। इसी से जो धन से प्राप्त होता था उसी से अपना और अपनी माता का निर्वाह करता था। उसकी पूजी एक हाथ से बनी तस्वीर थी। उसकी पूजी क्या थी? हाथ से बनी हुई एक तस्वीर जो उसके पिता की थी। और वह उसके पिता उसके साथ तो नहीं थे लेकिन उसको इंस्पिरेशन समझ लो कि उसके पिता से ही मिलती रहती थी। वो अपने पिता से प्रेरणा लिया करता था और इसीलिए उसे अपने पास रखता था। एक दिन वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था और श्लोक गा रहा था। उसी समय सम्राट हर्षवर्धन से सम्मानित कोई पंडित उधर से निकला। मतलब हर्षवर्धन ने उस पंडित के गुरु को सम्मानित किया था। वहां से जब कोई पंडित निकला और आसपास के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से मानो उसको कोई लोगों से उपेक्षा हो देख रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बालक को घृणा भरी दृष्टि से देखा। मतलब लोगों को तो वो सम्मानित था इसलिए बहुत उपेक्षा से देख रहा था कि देखो मुझे कि मैंने सम्मान पाया है। लेकिन उस बालक को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा और आगे बढ़ गया। अचानक उस बालक को लगा जैसे किसी ने उसका उपहास किया हो और उसके स्वर्गवासी पिता का चित्र उससे मानो कुछ कह रहा है। जैसे किसी ने उपहास किया, जिस प्रकार से माता पिता का अपने बच्चों का अपमान होने पर दिल दुखता है उसी प्रकार से उसको लगा मानो वो तस्वीर भी उससे कह रही है। उसने पिता को आशा भरी दृष्टि से देखा और देखा तो मानो ऐसा लगा कि उसके पिताजी उससे कह रहे हो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। रात भर उसे नींद नहीं आई और उसने सुबह सुबह स्नान किया और साफ कपड़े पहने और संकल्प कर लिया कि वह सम्राट की राज्यसभा में पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता की आत्मा को संतुष्ट करेगा तो और पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेगा। इस प्रकार से वह विद्वान पिता का पुत्र तो था ही, अतः वह पहुंच गया सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में। तो सभा मंडल में हर्षवर्धन सिंहासन पर विराज थे। विद्वानों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। हर कोई अपने अपने प्रश्न पूछ रहा था। उचित समय देखकर बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उसने अपना प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। तो सम्राट हर्षवर्धन बहुत ही विदुषी और बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने उसे भी अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दी। अनुमति पाकर सम्राट को प्रणाम किया और बोला, आदरणीय सम्राट की विद्वत सभा में मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य की किस अंग में निवास करती है। उसने एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा और एक बहुत ही बुद्धिमता से प्रश्न था कि बुद्धि मनुष्य के शरीर में कहाँ पर निवास करती है। तो सारे लोग सोचने लगे कि बालक पागल तो नहीं है, बुद्धि का निवास क्या, बुद्धि का निवास
किसी ने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि बुद्धि का निवास कहाँ होगा। सब लोग सोचते थे बुद्धि मस्तिष्क में होती है, लेकिन कोई कहता था हृदय में होती थी, इस तरह। तो उसने कहा कि अगर कहीं तो मैं ही इस प्रश्न का उत्तर दूं। तो राजा ने सम्राट ने कहा ठीक है, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बालक ने कहा कि बुद्धि सदैव मनुष्य के ओट पर रहती है, मनुष्य के ओटों पर निवास करती है। इसलिए कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उचित समय पर उचित बात नहीं कहता तो वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, तो उसे लज्जित होना पड़ता है। अतः बालक का उत्तर तर्कसंगत था, तो उन्होंने उसे अपना सभासद घोषित कर दिया। बालक ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, विद्वानों आप बताइए बुद्धि खाती क्या है। अब उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि बुद्धि खाती क्या है। अब सब कहने लगे कि भला कोई ये जीती जाती है बुद्धि जो खाएगी, उसका कहीं पेट होगा जो खाएगी। तब कोई नहीं बता पाया कि सबने कहा कि ये सब तर्क संगत नहीं है, ये प्रश्न बेकार है, ये तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो इसलिए ये बेकार प्रश्न है। तो उसने कहा नहीं नहीं आप सब बताएं। तो उसने सत जब चुप हो गए तो उसने कहा कि अगर महाराज आपका आदेश हो तो मैं उत्तर बताऊं। तो महाराज ने कहा ठीक है आप ही उत्तर बताओ। तब उसने कहा कि बुद्धि समय खाती है, बुद्धि समय खाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सोच समझ के काम करता है, भले थोड़ा सा टाइम ले लेता है लेकिन बातों को तर्क को समझता है तब उस कार्य को करता है। और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कर देता है वो बाद में पछताता है, तो उसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो महाराज बहुत ही खुश हो गए और उस बालक का उत्तर सुन करके लोगों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। अब उस बच्चे ने तीसरा प्रश्न पूछा कि ओट पर रहने वाली तथा समय को खाने वाली यही बुद्धि है तो ये पहनती क्या है, पहनती क्या है। तब सबने कहा कि बुद्धि का कोई आकार तो नहीं होता, बुद्धि का कोई आकार नहीं होता तो ये पहनेगी क्या, इसको कपड़ा तो पहनना नहीं, इसका शरीर तो होता नहीं। पंडित लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब बालक के प्रश्न का कोई भी उत्तर न दे सका तो सम्राट ने कहा कि बालक तुम ही उत्तर बता दो, तो उसके बदले में तुम्हें मैं अपने जैसी राष्ट्रीय पोशाक दूंगा। तो सम्राट ने अपने समान राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोशाक उस बालक को पहना दी। राष्ट्रीय पोशाक में सचकर बालक ने गर्वपूर्वक एक बार भरी सभा पर अपनी दृष्टि डाली, दृष्टि मतलब नजर, फिर पिता का चित्र सामने रखकर मानो वह उन्हें अपनी पोशाक दिखा रहा हो। तब विद्वान के झुके चेहरों को देखकर बोला, आप सब देख ही रहे हैं कि बुद्धि राष्ट्रीय पोशाक पहनती है, कि आप सब देख रहे हैं कि बुद्धि राष्ट्रीय पोशाक पहनती है। आप सब ने राष्ट्रीय पोशाक नहीं पहना, लेकिन मैंने बुद्धि से राष्ट्रीय पोशाक को पहन लिया। एक विद्वान व्यक्ति के लिए विश्व की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। सम्राट हर्षवर्धन तथा समस्त पंडित उस बालक को आश्चर्य से देखने लगे। यही बालक आगे चलकर बाण भट्ट बना, जो कि संस्कृत का महान कवि था और प्रसिद्ध लेखक था। और यही बालक हर्षवर्धन का राष्ट्र कवि बना, जो कि हर्षवर्धन का घनिष्ठ मित्र भी बन गया। बाणभट्ट की संस्कृत में लिखी रचनाएं अत्यंत आदर से पढ़ी जाती है। तो बाणभट्ट ने बहुत सारी रचनाएं लिखी जो कि पढ़ी जाती है। इस तरह से आपने ये कहानी को समझा कि बुद्धि क्या है। तो वास्तव में बुद्धि के द्वारा हम कुछ भी जीत सकते हैं। तो आज से हम सब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।